कुमी चोली हो मजीठा वेर का बायपास स्थित स्टॉल वर्ड्स वर्ल्ड स्कूल में जूनियर मेटानोया 3 का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कांग्रेस नेता व पार्षद विकास सोनी, वरिष्ठ अतिथि शोभित बब्बर, संदीप महाजन उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में विषय लॉकडाउन के दौरान अथवा लॉकडाउन के बिना बच्चों का जीवन कैसा रहा, उस अनमोल रिश्तों को कैसे खोया और पाया, उसकी झलकियाँ नाटक, नृत्य, संगीत और गीतों द्वारा दर्शाई गई। कक्षा प्ले बैंड से लेकर कक्षा 5वीं तक के बच्चों ने इस उत्सव में भाग लिया। इस मौके बच्चों ने कार्यक्रम में COVID-19 की वजह से देश की आर्थिक स्थिति, रिश्तों, शिक्षा संस्थान बंद होने से पढ़ाई को जो बुरा प्रभाव पड़ा, उसे नाटक के माध्यम से दर्शाया गया कि किस प्रकार व्यस्त जीवन में भी रिश्तों को अहमियत देनी चाहिए। जब जब बच्चों को अभिभावकों के साथ साथ दादा दादी के साथ वक्त गुजारने का मौका मिला तो वह एक दूसरे की भावनाओं को समझ पाए। कोरोना काल में रहकर स्वास्थ्य संबंधित नियमों का पालन करना भी सीखा। नन्हे मुन्ने बच्चों के इस पेशकश के लिए प्रिंसिपल मनीषा दानुका के द्वारा अर्थात अभिभावकों का सहयोग देने के लिए धन्यवाद किया गया। अपने शिक्षकों की मेहनत और लगन के साथ बच्चों को शिक्षा देने व अन्य कर्मियों की प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रेरित किया। ऑलवर्ड स्कूल साढ़ा अमृतसर, मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छा स्कूल अमृतसर में, जिसमें काफ़ी बच्चे जो हैं आज देख रहे हैं कि कोविड के बाद जो हमने एक डेढ़ साल कोविड में बच्चे घरों में थे, आज मैं खुद कोविड के बाद पहला कोई ऐसा फंक्शन स्कूल का अटेंड कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं स्टॉलवर्ड स्कूल को मैडम धनुका जी, विकास बांसल जी और उनकी सारी टीम को, जिन्होंने आज प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम मैनेज किया, उनको मैं कंग्रेचुलेट करता हूँ। और बच्चों के लिए, उनकी फ्यूचर के लिए हम भगवान के आगे प्रेयर भी करते हैं कि बच्चे जैसे अपने एजुकेशन के लिए, स्पोर्ट्स के लिए स्कूल्स आते हैं, ट्यूशन जाते हैं और एक्टिविटीज़ करते हैं, आगे भी करते हैं। और जैसी ये प्रॉब्लम हमारे साथ पीछे कोविड में आई है, ऐसी कोई प्रॉब्लम हमारे बीच में दोबारा ना आए, इसलिए हम भगवान के आगे प्रेयर भी करते हैं। और सब बच्चे जो आज यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, उनको मैं बेस्ट विशेज भी देता हूँ। सर, आम लोग जिन्हें कि कोविड के दौरान बड़े रहने, स्ट्रेस रहने, देखो स्ट्रेस में कोई आम नहीं, हर बंदा स्ट्रेस में रहा है, चाहे कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई गरीब है, अमीर है। और ऐसी एक्टिविटीज़ करने से, स्पोर्ट्स की गेम्स खेलने से स्ट्रेस दूर होता है। सो बड़ा, मैंने खुद बोला है कि आज मैं कोविड के बाद अगर किसी स्कूल का फंक्शन फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। फॉर अ चेंज, सबको अच्छा लगता है और होना भी चाहिए, ये हमारी लाइफ का एक पार्ट है। ऐसे फंक्शंस, ऐसी एक्टिविटीज़ करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, नॉट फॉर द किड्स ओनली, फॉर एल्डर्स एंड फॉर एवरी ईच एंड एवरी एज। सो बड़ा अच्छा लग रहा है, मेरे को खुद बड़ा अच्छा लगा आज। मैं बच्चों को जहाँ पे आज उनके फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेज देता हूँ, वहाँ स्टाफ को भी, उनका भी थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने मेहनत करके बच्चों को आज इस प्रोग्राम के लिए तैयार किया है। थैंक यू सर। मायसेल्फ मनीषा धानुका, प्रिंसिपल स्टॉलवर्ड्स वर्ल्ड स्कूल। ये कोविड के बाद हमारा पहला फंक्शन हो रहा है और जब बच्चे हमारे कोविड के बाद वापस स्कूल आए तो हमने देखा कि एक एंथुजियाज़म, मोटिवेशन, एनर्जी की बहुत कमी थी उनको ट्रैक पे। मतलब कि एक तरह से डिसिप्लिन और रेगुलरिटी, क्रिएटिविटी तो बहुत दूर है, उन सब से वो दूर हो चुके थे, तो एक एनर्जी बूस्टर की बहुत ज़रूरत थी। दिस एनुअल फंक्शन इज़ लाइक एन एनर्जी बूस्टर। अभी मैं बच्चों के पास गई हूँ, क्या वॉट दे हैव वन वर्ड टू से, मज़ा आ गया मैम, दिस इज़ एस्ट इन टू आर मेमरी, ये दिन हम कभी नहीं भूलने वाले हैं। तो दिस इज़ नॉट इन द मेमरी ऑफ माई स्टूडेंट्स बट विल रिटेन इन द मेमरी ऑफ नॉन टीचिंग, टीचिंग, एवरीबडी, बिकॉज ये चीज़ हम मिस कर रहे थे, द स्पिरिट वॉज मिसिंग। एक एजुकेशन इज़ नॉट ओनली ये जो एक चैप्टर पढ़ाना, ये चैप्टर जीना है, ये चैप्टर जीना है। और ये हम उनको, यही थीम है इस बार का कि कोविड ने कैसे इफेक्ट करा बहुत सारी लाइफ्स को, फाइनेंशियल लॉसेस हुए, मेंटल, कईयों के बहुत लोग बिछड़ गए और कई लोगों के पास आ गए, रिश्ते कई पास आए, कई दूर हुए। और बचपन उसमें कैसे इफेक्ट हुआ, हर तरह का बचपन हम दिखा रहे हैं, जो कार्टून से जुड़ गया कई और उसी के अंदर खो गया, और फिर एक बचपन वो दिखा रहे हैं जिनके फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे, जिनके पेरेंट्स को छुए महीना महीना बीत जाता था, तो वो इंतज़ार में रहता था वो बचपन कि मेरे मामा पापा कब आएंगे। 500 किड्स आर पार्टिसिपेटिंग फ्रॉम 2 years to 8 years। और साथ में लाइक माय काउंसिल इज़ ऑल्सो देयर, जो दिन रात काम कर रही है, 3 दिन से बच्चे
रात तक मैं कहती हूँ घर जाऊँ, नहीं मैम वी वॉन्ट टू डू इट, दे आर सो हैप्पी टू डू द ड्यूटीज ऑल्सो. सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वो इस एज पे ले रहे हैं बच्चे, इन लॉन्ग रन दिस इज़ रियली गोइंग टू अफेक्ट, क्योंकि हमारे देश को ऐसे बच्चों की ज़रूरत है जिनके लिए काम एक जुनून है, तो वी आर देयर टू क्रिएट दम.